हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यार, जो आज का हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब काफी थॉट इनवॉकिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई वी नीड टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एम सो दैट द इक्वेशन विल हैव ऑल डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। इस इक्वेशन के सारे रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आए तो एम की ऐसी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं इसके तीन रूट्स को मान लेता हूं। लेट से पी अपॉन क्यू, मैं ना डिनोमिनेटर को सेम रख रहा हूं, आर अपॉन क्यू, एस अपॉन क्यू, ये मैंने तीनों रूट्स मान लिए। अब पहले तो यू में आर्ग्यू कि सर जरूरी थोड़ा नहीं कि डिनोमिनेटर सेम हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक रूट है मान लो 4/3, दूसरा मान लो कुछ भी है। ठीक है, दूसरा लेट से पी अपॉन क्यू है, तीसरा मान लो कुछ भी है एम अपॉन एन। मैं तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम कर ही सकता हूँ ना यार, एलसीएम लेकर, राइट? आई होप ये समझ में आ रहा है। जैसे लेट से क्यू का वैल्यू कुछ भी 11 है, ठीक है, एंड एन का वैल्यू लेट से फॉर दैट मैटर कुछ भी 13 है। ठीक है, तो मैंने इसको 11 × 13 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी। इसको 3 × 13 से किया, ऊपर भी नीचे भी। इसको 11 × 3 से किया, ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स मेरे मैच कर गए। हाँ, अब यहाँ पे आप ये जरूर कह सकते हो कि इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारे रूट्स हमने माने हैं, पी अपॉन क्यू, आर अपॉन क्यू, एस अपॉन क्यू, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है। मतलब बिल्कुल ठीक है, हेयर ये जो वैल्यूज हैं पी एंड क्यू, आर एंड क्यू, एस एंड क्यू, दे माइट नॉट बी को प्राइम, वो सारे को प्राइम होने जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब पी और क्यू कैंसिल आउट होके और हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली हो सकता है हम आर बाई क्यू को भी रिड्यूस कर पाए, एस बाई क्यू को भी रिड्यूस कर पाए। ठीक है, बट यहां पर मैं एक चीज मान सकता हूं, वेयर आई कैन एज्यूम वेयर दिस पी आर एस एंड क्यू दे ऑल आर नॉट इवन, ये सारे इवन नहीं है। बिकॉज अगर ये सारे इवन हुए तो फर्दर एक टू टू फैक्टर कैंसल आउट कर दो हर एक में, हर रूट में। तो अल्टीमेटली पर्पज क्या है मेरा ये रूट्स मानने का, मैं डिनोमिनेटर को सेम मान रहा हूं। ठीक है, अब अगर सारे इवन हुए तो एक एक टू टू का फैक्टर कैंसिल आउट कर दो तो एक नया डिनोमिनेटर आ जाएगा, बेसिकली दैट विल बी क्यू बाय टू, उसको मैं फर्दर अब क्यू मान रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरी अजम्पशन बिल्कुल वैलिड है, मैंने ये माना कि हेयर ऑल पी आर एस क्यू दे ऑल आर नॉट इवन। अगर इवन है तो पहले कैंसिल आउट कर लो भैया टू टू को। ठीक है, फिर जो नीचे जो भी एक वैल्यू बचेगी, बेसिकली पी आर एस क्यू में से जब भी कोई एक नॉन इवन चीज बच जाएगी वहां पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द रूट्स कितना बना, पी प्लस आर प्लस एस अपॉन क्यू दैट विल बी इक्वल टू टू, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, यही दो वैल्यूज हैं अपने पास खेलने के लिए, है ना। वो कितना बन जाएगा, पी आर प्लस आर एस प्लस एस पी होल अपॉन क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, यहां से देखो हम क्या कह सकते हैं, पी प्लस आर प्लस एस दैट इज इक्वल टू टू क्यू, यहां से हम बोल पाएंगे पी आर प्लस आर एस प्लस एस पी दैट इज इक्वल टू माइनस टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, आई डोंट थिंक यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन होगी। इसमें स्क्वेयरिंग किया मैंने दोनों साइड, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस आर एस प्लस एस पी दैट इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो फाइनली हमें पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये ध्यान से देखो क्या मिल गया हमें, -4 पी स्क्वायर -4 क्यू स्क्वायर +4 क्यू स्क्वायर दैट विल बिकम 8 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, ठीक है, आराम से देखते हैं। जैसे देखो, अब मैं इसी चीज को दोबारा उठा रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हमारा 8 क्यू स्क्वायर आ गया था। ठीक है, अब देखो यहां से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ पी आर और एस तीनों इवन होंगे, आराम से समझने की कोशिश करो। यहां से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ पी आर और एस तीनों इवन होंगे। क्यों? देखो, अगर कोई भी एक ऑड नंबर है, लेट से 2k+1, उसका मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, वो क्या आएगा, 4k² + 4k+1, और यू कैन से 4k कॉमन ले लो पहली दो टर्म में से, k+1 + 1, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। इनमें से k और k+1 में से कोई एक तो इवन हो गई होगा, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये 8 का कुछ मल्टीपल प्लस वन फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, और हमें पता ही है स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8m+1। ठीक है, अब अगर पी आर और एस में से
कोई भी अगर ऑड होता है तो वो 8m+1 टाइप्स का बनेगा। मान लो कोई एक एक ऑड से तो ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा, दो को तो ऑड होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर दो ऑड होते हैं तो वो 8m+2 बन जाएंगे फाइनली, 8m+1 यहां से और 8m1+1 दूसरा, तो इफेक्टिवली बन जाएगा 8 का कुछ मल्टीपल प्लस 2, ठीक है। अब p एक इवन नंबर होना पड़ेगा, उसको 8m3+6 होना पड़ेगा, तभी तो 6+2 8 बन पाएगा, एंड हेंस ये 8 का मल्टीपल बन पाएगा। बट किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर या तो वो 8 का मल्टीपल होगा या वो 8m+4 टाइप्स का होगा, ठीक है, बिकॉज वो 4 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा ना यार, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे दैट विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 4, वो 8m3+6 टाइप का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया पी आर एस दे ऑल आर इवन, उनको इवन होना पड़ेगा तभी इनके स्क्वायर्स का सम 8 का मल्टीपल बन पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कंक्लूजन हमने निकाला, पी आर एस में से कोई भी ऑड नहीं है, ठीक है। अब कमिंग बैक टू अवर सेकेंड इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी मैं दोबारा लिख देता हूं, ये था हमारा पी आर प्लस आर एस प्लस एस पी दैट वॉज -2Q2। और हमने अभी क्या कंक्लूड किया, दे ऑल आर इवन, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट हैंड साइड को भी 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ये 2 का ऑलरेडी मल्टीपल है, दिस मीन्स क्यू मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, और यू कैन से क्यू मस्ट बी इवन। पी आर एस मैंने पहले बोला था इवन है, क्यू भी मैंने कंक्लूड कर दिया इवन है, दैट मीन्स हमें क्या मिला, एक कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? बिकॉज इनिशियली देखो मैंने क्या अज्यूम किया था, सारे इवन नहीं है, पी क्यू आर एस दे ऑल आर नॉट इवन, इनमें से कोई एक ऑड जरूर है, सॉरी। बट अभी मैंने क्या कंक्लूड किया कि ये चारों इवन आ जाते हैं, ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन से, ठीक है, हैंस अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें चाहिए था फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एम, तो आंसर आ जाएगा नो सच वैल्यू ऑफ एम, एम का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आ गया।